यह सिंधु जी, आपका स्वागत है। हम सब गीता पाठ सुनना चाहते हैं। आज चौथा श्लोक का 11वां, चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है। हाँ जी, तो आप आना। सभी गीता प्रेमियों को बहुत बहुत सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम ज्ञान विभाग योग चौथा अध्याय हमने शुरू किया था पिछले सप्ताह, और हमने 1 से 10 तक के श्लोक हमने लिए थे। तो उसमें जो ये था कि जो उसका मैं उपसंहार सब बता देती हूँ कि इन 10 श्लोकों में भगवान जो कह रहे हैं, उन्होंने अर्जुन को बता रहे हैं कि मैंने इससे पहले भी बहुत बारी ये उपदेश दिया है जो कि मैं तुमको आज दे रहा हूँ। तो मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं तो जानता हूँ लेकिन तुम इन जन्मों को नहीं जानते। और फिर वो कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ, और जो साधु स्वभाव वाले हैं उनकी मैं हमेशा ही रक्षा करता हूँ और दुष्टों का विनाश करता हूँ। मेरे जो जन्म है वो क्या है, दिव्य है, और मेरे जो कर्म है करता हूँ वह भी दिव्य है। और ज्ञान दप तप से तप कर मनुष्य जो है परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो ये पहले के 10 श्लोकों का जस्ट थोड़ा सा उपसंहार था। तो हम अब आगे चलते हैं, 11वां श्लोक लेते हैं। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, नहीं तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। यस, कोई पढ़ना चाहता है श्लोक, आगे आ जाए अगर पढ़ना है तो, या भाव बताना चाहते हैं तो भाव भी बता सकते हैं। हैंड रेस करें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। ओके ओके, इंदु जी आप ही कह रहे शुरू। हाँ जी, चलिए फिर हम आगे चलते हैं। ये 11वां श्लोक पहले लेते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्त्वं तेव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो भगवान जो है वो जिस भाव से, जिस संबंध से भी जो भगवान की शरण लेता है, जो भी उससे जो संबंध बना लेता है, उसी भाव से वो उसको आश्रय देते हैं। जैसे कि भक्त भगवान को कोई अपना गुरु मानता है तो वो उसको क्या बना लेते हैं, शिष्य बना लेते हैं और गुरु बनकर उपदेश देते हैं। कोई उनको माता पिता मानता है तो माता पिता की तरह उनका ध्यान रखते हैं। कोई पुत्र मानता है तो पुत्र बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं। तो यहाँ भी हमने देखा है कि जो भगवान है, जो अर्जुन के क्या बने हुए, सखा बने हुए, सखा है, और साथ ही वो उनके क्या बन गए, सारथी भी बन गए हैं। तो जो क्या है, भगवान भगवान भक्त के बिना, भक्त जो है भगवान के बिना व्याकुल हो जाते हैं, इसी तरह जो भगवान भी हैं वो भी भक्तों के बिना क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं जो भी करता हूँ सभी मनुष्य क्योंकि मेरा अनुसरण करते हैं, इसलिए भगवान अपने आचरण से ये शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ में जो मेरा संबंध, जिस जो भी मेरे साथ जो संबंध बनाता है मैं उसके लिए वैसा ही बन जाता हूँ। इसीलिए क्या होना चाहिए कि संसार में तुम भी, तुम्हारे साथ जो जैसा संबंध बनाता है तुम भी वैसे ही बन जाओ। पत्नी के लिए तुम सुयोग्य पति बन जाओ, बहन के लिए श्रेष्ठ भाई बनो, माता पिता के लिए आज्ञाकारी पुत्र बनो, आदि आदि जो भी संबंध जो बनाता है तुम्हारे साथ तुम उसको श्रेष्ठता से निभाओ। पर ऐसा है कि उसके बदले में उनसे कुछ मांगो मत, एक्सपेक्ट करो, तुम कुछ मत चाहो। अपना संबंध तुम अपने से उनके लिए जो कुछ भी कर सकते हो अच्छे भाव से उनके हित के लिए वो करो, ऐसा मानना ही भगवान के मार्ग का जो है अनुसरण करना है। और अभिमान रहित होकर निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करने से जो होता है वो क्या है कि अपने दूसरों के प्रति हमारी जो ममता है अपने आप ही छूट जाती है, और भगवान के प्रति जो होता है वो हमारा प्रेम जागृत हो जाता है। और प्रेम भगवान के प्रति जागृत होगा तो क्या होगा कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आगे भगवान कहते हैं कि यदि कोई सकाम भाव से मुझे स्मरण करता है तो क्या होता है, मैं उसे वैसे ही पदार्थ प्रदान करता हूँ। हम देखते भी हैं ना, जैसे कोई बालक खिलौना चाहता है
तो उसके पिता अगर खिलौने की मांग है तो वो खिलौना देंगे, अगर कोई बच्चा मिठाई मांग रहा है तो वो मिठाई की इच्छा पूरी करेंगे। तो जो जैसा मानते हैं, भगवान भी क्या है, हमारे माता पिता तुम्हें, माता पिता तुम्हें मानते हैं ना, तो जो वो है भगवान भी जो है सभी जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं अगर वो संसारिक पदार्थ मांगते हैं। लेकिन भगवान की अपनी इच्छा क्या होती है कि वे सभी जीवों को ज्ञान देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सभी जीवों का क्या हो, उद्धार हो, क्योंकि सभी जीव जो हैं अधिकारी तो हैं पर वो बनते नहीं, उनके मार्ग पर चलते नहीं। और भगवान क्या है, वो जो कोई आस्तिक हो नास्तिक हो कोई भी हो, सबके प्रति जो उनकी स्नेह है उनकी जो कृपा है वो वैसी ही बनी रहती है, वो किसी भी से पक्षपात नहीं करते हैं। हमने प्रकृति में भी ये देखा है कि जो जो भी प्राकृतिक चीजें हैं वो किसी के साथ भी उनको कोई वैर या वो नहीं है, जैसे कोई पेड़ है वो सबको वैसे ही फल देंगे, चाहे वो अच्छे कर्म करने वाला हो बुरा हो, सूरज अपनी रोशनी, हवा, सब कुछ सबको बराबर ही मिलता है। तो यही वो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो आगे वो बता रहे हैं कि सकाम उपासना करने वालों के बारे में वो बता रहे हैं कि मनुष्य लोक में जो भी है कर्मों के फल को चाहने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं का जो होता है पूजा करने से उनका वो जो है शीघ्र ही फल दे देते हैं। तो मनुष्य के अंतःकरण में ये बात जो है कि हम बैठ गई है कि हम कर्म करेंगे तो ही हमको वस्तु मिलेगी, तो वो क्या करते हैं संसारिक वस्तुओं की तरह भगवान की प्राप्ति को भी ऐसे ही समझते हैं कि हम उनकी तरफ कर्म करें तो हमको मिलेंगे। और वो तरह तरह के क्या करते हैं, पूजा पाठ जप तप दान तीर्थों पे यात्रा करते हैं, तो ये सभी करते हैं। और जबकि ये जो है जो वास्तविकता में जो ये संसार की वस्तुएं हैं ये कर्म जन्य है, इनसे क्या है कर्मों के फल के द्वारा जो है कि हम कर्मों के बंधन में पड़ जाते हैं, परंतु जो भगवान की तरफ चलते हैं उनको कर्म बंधन नहीं लगते, क्योंकि भगवान की तरफ चलने से जो है भगवान तो नित्य ही प्राप्त है, भगवान तो हमारे अंदर ही है, वो कोई हमसे अलग तो है नहीं। ये अब हम जान गए हैं ध्यान के द्वारा कि अहम ब्रह्मास्मि, हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। तो जो संसारिक वस्तुएं होती हैं वो तो क्या है, वो तो शीघ्रता से मिल जाती हैं, लेकिन जो हमको भगवान की प्राप्ति के लिए क्या है, हमको आत्मा का ज्ञान जरूरी है। तो आत्मा का ज्ञान जो हमको कैसे मिलेगा, ध्यान के द्वारा मिलेगा और पूर्ण त्याग और अभ्यास के द्वारा मिलेगा। तो साधक को क्या करना चाहिए, ध्यान की गहराई में उतरना चाहिए और इसी ध्यान की गहराई के द्वारा ही क्या है हम परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान यहाँ पर यही पे बताया गया है कि संसारिक वस्तुओं की तरफ न जाकर हमको क्या करना चाहिए, ब्रह्म की तरफ परमात्मा की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की तरफ जो चलने से जो हम कर्म करते हैं वो कर्म के बंधनों में बंधन नहीं डालते हमको वो कर्म। तो आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं चातुर्यवर्णम या श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्वे कर्तारमव्ययम्। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुण और कर्म के आधार पर जो मैंने ही जो किए है वो चार वर्णों की रचना की है। तो हम ये जानते हैं ना कि चार वर्ण है, हमारी सृष्टि जो है चार वर्णों में बांटा हुआ है, उसको भगवान ने बांटा था, मतलब अब तो सब वर्ण आपस में वो हो गए ना, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही वर्ण हो गए। तो पहले क्या था कि पूर्व जन्मों के किए के कर्मों के अनुसार ही जो होते हैं हमारे गुण होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारे वर्ण बनते हैं। जैसे कि सत्व रज और तम ये तीन गुण हैं और जिसकी अधिकता ज्यादा होगी और न्यूनता रहेगी वही हमारा वास्तविक गुण बन जाएगा। तो सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार ही भगवान ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वर्णों की रचना की थी। तो ब्राह्मण में जो होता है हम क्या देखते हैं कि सत्व गुण की प्रधानता होती है। तो सत्व गुण की प्रधानता होती है, क्या सत्व गुण है कि उनमें संयम होता है, पवित्रता, सरलता, भक्ति, ये सब गुण क्या है सात्विक गुण है।
तो उनकी जो अधिकता होगी तो वो ब्राह्मण है। ये जरूरी नहीं है कि वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है या वैश्य या शूद्र में। अगर जिसको भी जिनमें भी इन गुणों की प्रधानता है वो क्या है, वो वास्तव में क्या है, वास्तव में वो ब्राह्मण है। तो आगे है कि क्षत्रिय में जो है वो रजोगुण की अधिकता होती है और सत्व गुण की न्यूनता होती है। उसमें जो क्या है, रजोगुण तो अधिक है लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें क्या है, सात्विक गुण भी होता है, क्योंकि दान देना, लोगों की भलाई करना, ये सब भी जो होता है क्षत्रियों का, दूसरों की रक्षा करना, ये सात्विक गुण भी उसमें होते हैं। लेकिन राजसिक गुण में जो होते हैं गुण अधिक होते हैं, वे मतलब बड़े पराक्रमी होते हैं, दृढ़ता उदारता उनमें होती है, शासक होते हैं वो अच्छे, तो इस तरह का स्वभाव से उनमें क्या है वो क्षत्रिय बनते हैं। तो इसी में आगे क्या है कि वैश्य, वैश्य में क्या होते हैं कि रजोगुण की प्रधानता होती है और तमोगुण की न्यूनता होती है। तो उसमें जैसे वे खेती बाड़ी, पशुपालन, व्यापार आदि के उनके उसके अनुरूप उनमें कार्य करते हैं। और शूद्रों, शूद्र जो होते हैं उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है और रजोगुण उनमें जो होते हैं वो कम होता है। तो मानव स्वभाव और वृत्ति गुणों की विभिन्नता से जो है प्रवर्तित होते रहते हैं। हम सभी में सभी गुण हैं, क्योंकि कभी कभी हमको क्या है कि हमको किसी की रक्षा करनी है तो हमारे में क्या है, क्षत्रिय गुण अधिक हो जाता है। हम जब धर्म के काम करते हैं, जब ज्ञान लेते हैं, तो हमें उस समय क्या है, सात्विक गुण ज्यादा हो जाता है ना। तो जब व्यापार करते हैं जो लोग, उनमें उस समय क्या होता है, वैश्य होता है, क्योंकि उन्होंने अपना व्यापार भी करना है। तो इस तरह गुणों का जो है बढ़ना और कम होना होता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो मनुष्य है वो अपने कर्म करता है। तो जैसे ही मनुष्य में बताया गया है, ऐसे ही जो पशु पक्षी आदि भी होते हैं, इनमें भी हमने देखा है कि चार तरह के गुण पाए जाते हैं। जैसे कि पक्षियों में जो कबूतर है वो क्या माना जाता है कि वो ब्राह्मण है, और बाज है जो वो क्षत्रिय है, और चील वैश्य है, और कौवे को जो है वो शूद्र माना जाता है। और वृक्षों में ऐसे ही कहा गया है कि पीपल जो है वो ब्राह्मण है, और नीम क्षत्रिय वृक्ष माना जाता है, इमली वैश्य और बबूल शूद्र आदि आदि। इस तरह के मतलब बहुत सारे क्लासिफिकेशन बताए गए हैं। लेकिन जो मनुष्य है वो ही वर्ण विभाग के को समझ सकते हैं और उनके अनुसार काम कर सकते हैं। तो जो मनुष्यों को है वर्ण के अनुसार ही हमारा उनका स्वभाव भी हो जाता है। तो वैसे ही वो कर्म करना करने में वो ज्यादा रुचि भी लेते हैं और कर्म करते हैं। तो आगे भगवान ने बताया कि इसको कंटिन्यू कर रहा है। हमने पहले भी तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में देखा था कि राजा जनक का उदाहरण दिया था, तो इसमें भी, और हमने ये चौथे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में भी देखा था कि विविस्वान, मनु, इश्वाकी आदि का उदाहरण देकर भगवान ने यही बात कही थी कि मैंने उन सबको भी उपदेश दिया था। और वही बात इस श्लोक में भी कह रहे हैं, भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तू मुमुक्षु है। मुमुक्षु कौन होते हैं, जो कि धर्म की तरफ चलने के लिए जिसने उसमें जिज्ञासा होती है। तो वो कह रहे हैं कि इसीलिए पहले अन्य मुमुक्षुओं की तरह, क्योंकि वो जो राजा लोग थे वो भी क्या थे, धर्म के कार्य करते थे, तो अन्य मुमुक्षुओं की तरह लोगों के हित के लिए कर्म किए हैं पहले भी राजाओं ने, और संसार के हित के लिए तुमको भी क्या चाहिए, कर्म करना चाहिए। जब संपूर्ण कर्म दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, तब कर्मों का संबंध जो होता है हमारे साथ नहीं रहता, और कर्मों के साथ जब संबंध विच्छेद हो जाता है तो परमात्मा के साथ हमारा जो है हमको संबंध का अनुभव होता है। क्योंकि जितना हम संसार से विमुख होते जाएंगे उतना उतना हम परमात्मा के सम्मुख होते जाएंगे, परमात्मा की तरफ चलते जाएंगे। तो अर्जुन को निमित्त भगवान बनाकर ही भगवान हम सबको भी ये कह रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ चलो, धर्म की ओर चलो और अपने कर्तव्य का पालन करो, यही वो बता रहे हैं। तो आगे भी भगवान यहाँ पे 16वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो है साधारणता जो है मनुष्य शरीर और इंद्रियाओं की क्रियाओं को ही कर्म मान लेते हैं। अब आगे की कुछ श्लोकों में कर्म के बारे में भगवान ने ज्यादा बताया है कि क्या कर्म है, क्या कर्म है, ये सब बताया है। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग यही सोचते हैं कि जो हम इंद्रियों के द्वारा काम कर रहे हैं वही हमारा क्या है, कर्म है।
और शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद हो गई हैं, तो वो क्या हो गया? अकर्म हो गया, काम करना हमने छोड़ दिया, ये ऐसे मान लेते हैं। परंतु भगवान ने शरीर, वाणी और मन के द्वारा, जो तीनों के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं, उसको क्या माना है? उसको कर्म माना है। मनसा वाचा कर्मणा, हम ये मानते हैं ना कि जो मन के द्वारा भी क्रियाएं हो रही हैं, हमारी वाणी के द्वारा भी क्रियाएं हो रही हैं, और जो हमारे कर्म के द्वारा भी क्रियाएं, मनसा वाचा कर्मणा, तो इन तीनों को मिलाकर उनको कर्म कहा गया है। और कर्म क्या है, और कर्म क्या है, इस विषय में जो ज्ञानी लोग भी हैं, ये भी बहुत भ्रम में पड़ जाते हैं। हमको समझ नहीं आता कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, कैसे करें। तो जो हमारे जो कर्म है, वो भी उनका जो महत्व होता है, वो देश, काल और परिस्थिति के अनुसार जो है बदलता रहता है। एक समय में जो कर्म होते हैं, वह दूसरे समय में अकर्म हो जाता है। एक स्थान का कर्म दूसरे स्थान पर जो होता है वो अकर्म बन जाता है। इसलिए जो स्थान, काल और परिस्थिति देखकर और पूर्ण विचार करके ही कर्म करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कोई पूजा कर रहा है, कोई देवी की पूजा कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सात्विक कर्म कर रहा है, उसके बाहर के स्वरूप से यही पता चल रहा है। लेकिन जब वो अगर किसी कामना की सिद्धि के लिए पूजा कर रहा है, तो वो कर्म कैसा हो जाएगा? वो कर्म राजसिक हो जाएगा। और अगर कई बार क्या होता है कि काली देवी की और पूजाएं जो तांत्रिक लोग वगैरह करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? किसी के विनाश के लिए, जादू टोने के लिए, ऐसे भी हमने देखा है ना कई बार। तो वो जब पूजा करते हैं तो वो कैसा हो जाएगा? उस प्रकार का कर्म वो क्या हो जाएगा? तामसिक हो जाएगा। हालांकि वो एक पूजा ही रही है, उसी में उसके भावों के अनुसार सात्विक, राजसी, तामसिक हो जाती है। और इसी प्रकार यदि जो करता है वो फल की इच्छा, ममता और आसक्ति नहीं है उसमें, तो उसके द्वारा जो वो काम कर रहा है वो क्या हो जाते हैं? वो अकर्म हो जाते हैं। तात्पर्य ये है इसका कि केवल भारी क्रिया को अथवा ना करने से ही कर्म के वास्तविक कर्म नहीं है वो। जैसे हम किसी को सिर्फ भारी कर्म करते हुए देख लें और हम ये सोच लें कि ये व्यक्ति बहुत सात्विक प्रकार से कर्म कर रहा है, तो जरूरी नहीं है। उसके हृदय के भाव कैसे हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा सारा। तो कर्म करने से जीव बनता है, और अकर्म जो होते हैं, जो यानी जो अकर्म क्या है, जो दूसरों के हित के लिए काम किया जाता है, तो उस ऐसे कर्म करने से जो होता है उसको कर्म बंधन नहीं लगते, वो मुक्त हो जाते हैं। तो आगे भगवान कहते हैं कि मैं वह कर्म तत्व भली भांति कहूंगा, जिससे कि कर्म करते हुए भी वो बंधक कारण ना हो, जिससे तू कर्म करते हुए भी जन्म मरण के बंधनों से छूट जाए। तो आगे का श्लोक उन्होंने इसी बारे में बताया है, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मण। इंदु जी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट, म्यूट हो गया। इंदु जी अनम्यूट कर ले। यस, अनम्यूट कर लेंगे। ठीक, हेलो, हाँ जी, अब ठीक है। अब आ रही, अब आ रही दीदी, पहले कट गया था, तो आप जो श्लोक बोल रही थी दोबारा बोल दे। हाँ जी, हाँ जी, वो कट गया था एकदम से। अच्छा, हो जाता है कभी कभी। तो हम ये श्लोक लेते हैं, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मश्च बोधव्यम, तेना कर्मणो गति। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम यहाँ पे हमें कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीनों के स्वरूप को जानना चाहिए, क्योंकि कर्म के कई रूप बताए गए हैं, और कर्म की बहुत जो गति है वो बहुत ही गहरी है। जो कर्म हम एक सिर्फ छोटा सा ऐसे सोचते हैं कि कर्म करना, देखिए कितने हैं, ये स्वरूप है, कर्म करना, अकर्म, विकर्म, ये सारे हैं। तो कर्म के बाहर से दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार ही हो जाते हैं। तो जो सकाम भाव से की गई क्रिया है, और चाहे वो शास्त्रों के द्वारा भी बताई गई हो, तो वो कर्म बन जाती है। जो हम सकाम भाव से संसारिक क्रियाएं जितनी भी करते हैं, जिसमें हम चाहे किसी के संबंध के साथ कोई क्रिया हो, जो संसारिक कर्म करते हैं, लेकिन उसमें हम क्या है,
फल की इच्छा रखते हैं कि हम ये काम करेंगे तो इसका रिजल्ट ऐसा होगा, हमको ऐसा फल मिलेगा, चाहे वो मिले या ना मिले वो दूसरी बात की बात है। तो फल की इच्छा से किया जाता है और फल की इच्छा में ममता और आसक्ति दोनों होती है। तो वो क्या होता है, वो जो हमारा सिंपल कर्म है। और एक कर्म जो हम करते हैं जिसमें फल की इच्छा, ममता, आसक्ति ये कुछ भी नहीं है और वो दूसरों के हित के लिए किया जा रहा है, तो वह वो जो कर्म है वो हमारा क्या बन जाता है, वो अकर्म बन जाता है। और विहित कर्म भी यदि दूसरों का हित करने वाला, अहित करने वाला और दुख पहुंचाने वाला, अगर हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन वो दूसरे का नुकसान हो रहा है, दूसरे को किसी भी तरह का कष्ट पहुंच रहा है, दुख पहुंच रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, वो विकर्म हो जाता है। तो निलिप्त होते हुए हमें कर्म करना चाहिए और निलिप्त होकर जो हम कर्म करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अकर्म हो जाएगा, यही इसका तत्व है। तो दूसरे अध्याय के भी 48 श्लोक में भगवान ने बताया था कि अगर युद्ध जैसा हिंसा युक्त कर्म भी शास्त्र आज्ञा से और समता पूर्वक करेंगे और जय पराजय लाभ हानि इन सब को सुख दुख को समान समझकर किया जाए तो उसका पाप नहीं लगेगा। वो अर्जुन को भी यही समझा रहे थे ना कि अगर तू युद्ध करेगा, वो तो मान नहीं रहा था कि इसमें बहुत हिंसा है, बहुत लोग मर जाएंगे, तो पर भगवान ने उसको ये भी कहा था, वहीं पर यही कहा था कि इससे तुमको पाप नहीं लगेगा क्योंकि ये तुम्हारा कर्म हो जाएगा। तो वो क्योंकि उसको विकर्म सोच रहा था, वो कह रहा था ये तो बहुत गलत काम हो जाएगा मेरे से, लेकिन क्योंकि वो धर्म का युद्ध है और धर्म के युद्ध में वो विकर्म नहीं होकर वो क्या हो जाएगा, अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट हो गया। कामना विकर्म के करने से कामना के हेतु जो कर्म होते हैं वो अधिक बढ़ जाने से वो क्या हो जाते हैं, वो विकर्म हो जाते हैं, और कामना के नष्ट हो जाने पर वे कर्म जो होते हैं वो अकर्म हो जाते हैं। खास तात्पर्य जो है, हमको जो ज्यादा फोकस किस पे रखना है, अकर्म पे करना है, क्योंकि अकर्म कामना के नाश होने पर होता है और कामना के नाश होने पर विकर्म तो होता ही नहीं। जब हमारी कामना ही नहीं है किसी कर्म में तो क्या होगा, विकर्म तो होगा ही नहीं। तो ये जो कर्मों की गति है ये बहुत ही गहरी है और इसको जानना भी बहुत कठिन है। किसी कर्म को करने पर मनुष्य अपना हित समझता है और हो जाता है हित, और लाभ के लिए करता है और हो जाता है नुकसान, तो सुख के लिए करता है पर मिलता है दुख। तो कारण क्या है, फल की इच्छा और कर्तापन, और उस कर्तापन में जब कर्मों की गति है उसको समझने के लिए ये बहुत गहरी है, क्योंकि हम में अगर कर्तापन है तो हम जो कर्म कर रहे हैं वो अकर्म नहीं है, वो हमारा क्या है, या तो कर्म रहेगा या वो विकर्म बन जाएगा। तो भगवान आगे कहते हैं कि कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य बहुत कम है, मतलब बहुत जो जिनको ज्ञान हो गया वही कर्मों के तत्व को है वो जान सकते हैं, और जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही मनुष्य जो है वो बुद्धिमान है, वह योगी है और सब कर्मों को करने वाला है। अब कर्म में अकर्म देखना ये क्या है, यानी कर्म करते हुए या ना करते हुए उससे निर्लिप्त होना, इसको क्या कहा गया है कि कर्म में अकर्म है। जैसे अमुक कर्म मैं करता हूं, इस कर्म का फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से मनुष्य जो है कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। और अभी हमने 14वें श्लोक में भी अभी देखा था कि भगवान ने कहा कि जो मेरे लिए कर्म किए जाते हैं उसमें क्या है, वो कर्म हमको बांधते नहीं है, कर्म फल में आसक्ति, क्योंकि उसमें आसक्ति नहीं होती, हमारी अपनी पर्सनल आसक्ति नहीं होती, हम भगवान के लिए दूसरों के हित के लिए काम करते हैं। और यही प्रकृति की गतिविधियों को साक्षी भाव से देखे तो यही हम भी मैंने पहले भी अभी यही बात बताई थी कि प्रकृति के जितने भी कर्म होते हैं हम यही देखते हैं कि प्रकृति द्वारा जितने भी काम हो रहे हैं वो अकर्ता भाव से हो रहे हैं, तो उसमें किसी का नहीं, उनका अपना कोई फायदा नहीं है। अब देखा जाए तो सब परहित के लिए किया जाता है। तो इसमें कबीरदास जी का दोहा भी है, वृक्ष कभु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो वो क्या है, जो साधुओं का जो शरीर होता है, जो
महापुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारे अपने जो उनके कार्य हैं वो परमार्थ के लिए ही करते हैं और निष्काम भाव से करते हैं। और मैं तो करता हूँ निष्काम भाव से, आत्मा में जो हम आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ एकत्व स्थापित कर लेते हैं परमात्मा की तरफ, बस कर्म चाहे जैसा भी कितना भी हो तो वो जो होता है अकर्म बन जाता है। और कर्म ये तो हुआ कर्म में अकर्म। अब अकर्म में कर्म कैसे होता है, मान लीजिए कोई मनुष्य शांत बैठा है निष्क्रिय है किंतु उसमें कर्तापन का भाव है और शांत रहते हुए भी उसके मन में जो है बहुत से विचार उठ रहे हैं और वे कर्म कर वो क्या है, ऐसे में वो कर्म तो नहीं कर रहा लेकिन उसका मन जो है वो कर्म कर रहा है, तो इसको हम क्या मानेंगे कि अकर्म में भी वो कर्म कर रहा है। यद्यपि वो क्रियाशील नहीं है, हमको ऐसे देखने में नहीं लग रहा कि वो क्रिया कोई कर रहा है, पर उसका मन जो है वास्तव में जो है वो कर्म कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये अकर्म में कर्म हुआ। तो जो पुरुष कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है अर्थात हमेशा ही निर्लिप्त रहता है, वह ही वास्तव में जो है कर्म तत्व जानने वाले। जब तक कर्म और पदार्थ को अपना और अपने लिए माना मानता है तब तक उसने कर्म तत्व को समझा ही नहीं है। जब तक हम संसारिक वस्तुओं को क्या है अपने लिए मानते हैं कि ये हमारे लिए, ये हमको सुख देंगी, उसके लिए हम कर्म करते हैं, इच्छाएं रख के हम फल की इच्छा से कर्म करते हैं, तो वो क्या है वो हमारे कर्म ही रह जाते हैं, विकर्म भी बन जाते हैं लेकिन अकर्म नहीं हो पाते। तो जो योगी लोग होते हैं ऐसा कर्म योगी जो सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है और कर्म का फल मिले या ना मिले उसमें भी कभी विषमता नहीं आती, क्योंकि उसने कभी फल की इच्छा की नहीं, उसने फल की इच्छा का त्याग कर दिया है। और समता का नाम ही जो है वो योग है, वह नित्य निरंतर समता में सिद्ध है, इसलिए वो क्या है वो योगी है। जिस प्रकार एक नौका में कोई व्यक्ति जा रहा है, नौका चल रही है और जो तट पर जो होते हैं वृक्ष जो है, नौका अगर आगे चल रही है तो जो किनारे के जो वृक्ष हैं हमको ऐसा लगता है कि वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं। या ट्रेन में भी जैसे हम लोग सफर करते हैं तो ट्रेन अगर तीव्र गति से चल रही है तो हमको क्या लगता है जो बाहर की चीजें हैं वो हमारी पीछे की तरफ जा रही हैं, यद्यपि वो गतिहीन है, वो चल नहीं रही है लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसा ही है कि आत्मा हमारा जो है वो दृष्टा है, वो कर्म में कोई कर्म आत्मा से नहीं होता है, हम ऐसा सोचते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं। आत्मज्ञान हो जाने पर इस ज्ञान का जो है ना विनाश हो जाता है। तो हमको ऐसे ही समझ चाहिए कि हमको संसारिक कर्मों में ना उलझकर हमको अकर्म करने चाहिए, दूसरों के हित के लिए कर्म करेंगे जो हमारे, तो वो जो हमारे कर्म होंगे वो अकर्म हो जाएंगे। तो इस आगे भी उन्होंने ऐसे ही बताया भगवान ने कि जिसके सारे कर्म शास्त्रों के अनुसार बिना कामना और संकल्प के होते हैं और जिसके सारे कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा जल गए हैं उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। तो जो संकल्प और कामना ये जो दोनों जो क्या है हमारी कर्म के बीज है, यानी इनसे ही कर्म शुरू होता है। हम संकल्प कर लेते हैं कि हम ये काम करेंगे, हमको तो ये काम करना ही है, धार्मिक संकल्प भी होते हैं और दूसरे संकल्प भी, हम संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भी संकल्प कर लेते हैं, या हम क्या है कामनाएं हमारी इच्छाएं होती है कि हमको इस चीज की वस्तु की इच्छा है तो हमें ये प्राप्त हो। तो संकल्प और कामना के ना रहने पर जो है वो कर्म जो होते हैं वो कर्म बन जाते हैं अर्थात वो कर्म बांधने वाले नहीं रहते। तो जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो तो कामना ही उनकी तो करते ही नहीं कोई, तो उनके जो कर्म भी है वो क्या है बंधन कारण नहीं होते, वो तो निस्वार्थ भाव से क्या है दूसरे लोगों के हित के लिए कर्म करते हैं। तो और कर्मों में निर्लिप्त भी नहीं होते, वो निर्लिप्त रहते हैं लिप्त नहीं होते। ये सब उनको क्या है ज्ञान की अग्नि के द्वारा, क्योंकि जिसका भी आत्मज्ञान जितना जितना बढ़ता जाएगा उसके जो कर्म है वो कर्म ही हो जाएंगे, क्योंकि उनको अपना कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से वो सबकी सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से वो आगे सबको ज्ञान के मार्ग पे चलाते हैं। तो ये ज्ञान ही जो है ये इसको क्या है ये ब्रह्म ज्ञान है। हमको ये ऐसा ज्ञान जो है कि हम भी सबकी क्या करें निस्वार्थ भाव से सेवा करें, सबको ध्यान सिखाएं, सबको धर्म के मार्ग पर चलाएं। तो इससे क्या होगा, इससे
ये जो हमारी आध्यात्मिक अग्नि है, इसमें जो हमारे जो कर्म है, हम जो हमारे कर्म भी होंगे वो भी जल जाएंगे, शुभ अशुभ सब प्रकार के कर्म फल जो होंगे वो जल जाते हैं। और जो साधक है, जो ये ध्यान की यात्रा में, आत्म जागृति की यात्रा में आगे बढ़ रहा है, उसके जो कर्म होते हैं वो बंधनों से, कर्म बंधनों से वो क्या होता है, मुक्त हो जाता है। तो ऐसी अवस्था कोई जो ना मनुष्य प्राप्त कर लेता है, ज्ञानी जन उसको क्या कहते हैं कि ये तो पंडित है, ये तो ज्ञानी हो गया है, ये तो इसको क्या है, इसको आत्मज्ञान हो गया है। क्योंकि आत्मज्ञान होने के बाद ही जो है हमारे जो कर्म होते हैं वो अकर्म बनते हैं। क्योंकि पहले तो हम जो कर्म कर रहे हैं संसार के लिए वो तो कर्म ही रहेंगे, लेकिन जब हम दूसरों के लिए जो काम करते हैं और निष्काम भाव से, मेन बात क्या है, निष्काम भाव से और निर्लिप्त होकर जो कर्म किए जाते हैं वही हमारे क्या है, वो अकर्म बन जाते हैं और उसका हमको कोई कर्म फल नहीं मिलता। तो हम इस तरह हमें अब ये 20वें श्लोक पे आ गए हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराशया कर्मण्य भी प्रवर्तो भी नैव किंचित करोति सा। तो जो पुरुष समस्त कर्मों और उनके फल में आसक्ति नहीं रखता, वे संसार के आश्रय से भी रहित हो गया है, हमेशा परमात्मा में ही वो क्या है, तृप्त रहता है, वे क्रियाशील होकर भी कुछ नहीं करता। तो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि जब कर्म करते समय कर्ता का भाव रहता है और शरीर आदि कर्म सामग्री मेरी है, मैं कर्म कर रहा हूँ, कर्म मेरा और मेरे लिए है, इसका फल भी मुझे मिलेगा, और कर्म फल तो जो ये है, जो कर्म है ये फल का हेतु बन जाता है। और जो कर्मयोग के सिद्ध महापुरुष है वो संसारिक पदार्थों से हमेशा संबंध विच्छेद का भाव रखते हैं, इसलिए उनका कर्म करने की सामग्री में, कर्म फल में उनसे क्या है, आसक्ति नहीं होती, इसलिए वे कर्म जो होते हैं कर्म फल के हेतु नहीं बनते। तो जो जो ज्ञानी लोग जो होते हैं वे अहंकार शून्य होते हैं और फलाशक्ति से भी शून्य होते हैं, और उनके कर्म दूसरों के कल्याण के लिए होते हैं। ये बार बार सारे इसमें कर्म के बारे में ही बताया गया इन सारे श्लोकों में कि किस तरह के हम कर्म करें, जैसे महापुरुषों की तरह हम बने, हमारे जो कर्म है वो अकर्म बन जाए, हम दूसरों के प्रति अच्छी भावना के द्वारा कर्म करें, क्योंकि भाव ही मेन है। कर्म करने में क्या है कि जैसी भावना से हम कर्म करते हैं वैसे ही उसकी हमको फल की प्राप्ति होती है। भावना रख के हम अगर कर्म कर रहे हैं फल की भावना से तो वो कर्म रहेंगे, और अगर निष्काम भाव से हम किसी भी दूसरे के हित के लिए कर रहे हैं कर्म तो हमारे अकर्म हो जाएंगे। तो जो जो महापुरुष होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, जब उनको ब्रह्म की यानी परमपिता परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो उनकी सारी कामनाएं अपने आप ही शांत हो जाती है। हम भी देखते हैं ना, जितना हम ध्यान में आगे चलते हैं तो उतनी हमारी कामनाएं, जो संसारी कामनाएं, अपने आप से स्वतः ही कम होने लग जाती है, और वो दूसरों पर आश्रित भी नहीं होते, वो जितना भी होते हैं आत्मनिर्भर होते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई उनके लिए कोई एक्स्ट्रा काम करे, अपना वो निराश्रित होते हैं, और वो भगवान को ही क्योंकि अपना समझते हैं और उनके काम भी भगवान ही सारे पूरे कर देते हैं, अपनी प्रकृति भी उनका साथ देती है। तो जीव यानी आत्मा और परमात्मा का सनातन अंश होने से जो महापुरुष है वो क्या है, वो सदा ही तृप्त रहते हैं, उनको संतुष्टि होती है, जो भी उनके पास उपलब्ध है उसी में उनका उसी में संतुष्ट रहते हैं, सारी भोग पदार्थों में उनकी कोई रुचि रह नहीं जाती, तो वो संतुष्ट रहते हैं। तो इसमें हमने ये 20 श्लोक आज करे हैं, तो इसमें भी क्या बताया कि हमको भी ऐसे कर्म करने चाहिए जो कि हमारे अकर्म बन जाएं, और आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए, और तभी हमारा क्या होगा, परमात्मा से एकत्व होगा और हम जो होंगे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो हम ऐसे ही कर्म करें जो हमारे अकर्म बने। तो यही यहाँ आज 20 श्लोकों तक का यही भाव है। तो आगे आप लोग कोई भी विचार विमर्श करना चाहे तो आपने विचार जरूर रखें, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, कोई कर्म अकर्म को और क्लियर करना चाहता है तो आ सकते हैं, या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है कि कर्म विकर्म या कर्म क्या है, तो प्लीज आप पूछें या बताएं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और क्लियर कर देंगे, या आप खुद बताना चाहते हैं तो। और सॉरी, बीच में नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी।
कोई नहीं, वो तो चलता है, उसका अपना बस नहीं चलता ना। नमस्ते इंदु जी। हाँ जी, इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास तो एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब समझा पाऊँ, क्योंकि ये कर्मों की गति ना है ही बहुत गहरी, क्योंकि कर्म कब अकर्म बने, कब कर्म विकर्म बन जाए, हमको ना पता नहीं चलता। बाहर से कोई हमको ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा सात्विक कर्म है, लेकिन उसके भाव कैसे है नहीं ना पता चलता है। जिस भाव से कर्म करा जाता है, और मनसा वाचा कर्म ना, ये आया है ना कि जब हम कर्म की शुरुआत कब हो जाती है, जब हम मन में थॉट ले लेते हैं ना, तब से कर्म की जो होती है शुरुआत हो जाती है, और जो एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ जाती है। जैसा हम पहला थॉट लेंगे, मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति के बारे में भी कुछ सोचा, हमारी उसके जैसे पहले हमने मिले उसे, जो एक थॉट पहले आएगा ना, उससे हमारी वो कड़ियां जुड़ती जाती हैं। तो हम पहले तो मनसा, मन में हम किसी भी काम के प्रति भी हम सोचते हैं, तो पहले हम मन से प्लान करते हैं कि हमने कहीं जाना भी है, मान लीजिए तो हम मन से प्लान करते हैं कि हमने हम वहां जाना है, फिर हम कोई उसका साधन ढूंढते हैं, वाचा हम वाणी के द्वारा उसको हम आगे उसको ले जाते हैं कि अच्छा हम कैब बुलाएं कि हम कैसे जाएं वाणी के द्वारा, फिर उसको कर्म में हम तब्दील करते हैं कि हम हाँ जी हम ये टिकट खरीदेंगे या इस भांति से हम कैब बुलाएंगे तो उसको वहां पे। तो कर्म की पूर्णता कब होगी, जब हम वो कर्म पूरा कर लेंगे, लेकिन शुरुआत हमारी कहाँ से हुई, थॉट से। तो इसीलिए कहते हैं कि हमको विचारों को हमेशा क्या है, शुद्ध रखना चाहिए। जैसे हमारे विचार होंगे उसके मुताबिक ही होंगे, और कर्म में भी जो हम देखेंगे कि हमारे सात्विक राजसिक तामसिक भाव के अकॉर्डिंग हो जाएंगे होते हैं। कर्म सिर्फ करने में कई बार हमको लगता है कि इस तरह हो रहा है, लेकिन उसके भाव अच्छे थे। यही भगवान ने बताया कि युद्ध तो राजसिक वो है ना, राजसिक कर्म राजसिक है, लेकिन वो किस भाव से हो रहा है, वो सात्विक भाव से हो रहा है ना, धर्म की स्थापना के लिए तो हो रहा है ना, तो वो कैसा हो गया, तो इसीलिए उसका कर्म जो है अकर्म हो गया, उसका बंधन नहीं लगेगा। यही अर्जुन को उन्होंने बताया यहाँ पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत सुंदर निंदु जी, बहुत ही बढ़िया आज तो मेडिटेशन भी, वाह।